तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपका अपना दोस्त के डी ओडियो की तरफ से। तो दोस्तों, आज मेरे सामने आप जो देख रहे हैं, तो ये दोस्तों क्या है क्या कुछ नहीं है वो अभी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट ज़रूर करना एंड में वीडियो देखने के बाद कि ये मुझे बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था। तो एक छोटा सा अभी ओवरलुक आपको मैं दे देता हूँ दोस्तों। ये अपना बीटी कार्ड है जो कि मेरे पास अभी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, जिसकी बटन नहीं थी बस, बाकी ये बीटी कार्ड रनिंग में था तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। और ये अपना माइक का सॉकेट है जो कि वर्किंग में है, ओके है। ये अपना ऑन ऑफ हो जाता है, यहाँ पे डीवीडी ऑक्स के लिए था इसमें बट मैंने वो यूज़ में नहीं लिया। और यहाँ दोस्तों बास और ट्रेबल के लिए है जिसमें अभी वॉल्यूम नॉब्स लगेंगे। पीछे से दोस्तों पाए वगैरह लगा के ओके है। और इधर से आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी यहाँ पे एक सॉकेट में लगा दूंगा जिससे ये अभी आपको भद्दा सा ना दिखे। और ये अपना लाइन आउट के लिए है दोस्तों, इनके लिए नहीं है। यहाँ से आपका लाइन आउट होगा और ये अपना 12 वोल्ट डीसी के लिए होता है। इस पर भी मैं कुछ ना कुछ लगा के इसको भी बंद करूँगा। तो अभी मैं दोस्तों इसको आपके सामने खोलता हूँ और दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये एक बहुत ही शानदार, मैंने जो कहते हैं क्रॉसओवर टाइप में जो होता है दोस्तों, वो बनाया है। और ये बनाया दोस्तों मैंने किस चीज़ के लिए है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे एम्पलीफायर आते हैं जो ओल्ड टाइप के एम्पलीफायर्स होते हैं, जब रिपेयरिंग वगैरह के लिए आते हैं, तो उनमें दोस्तों क्या होता है, या तो आप सीधा ऑक्स लगाओ या फिर उनके साथ जो कैसेट प्लेयर होते हैं दोस्तों, वो कैसेट प्लेयर को लगाओ। तो दोस्तों इतना मूड खपच्ची होती है, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होता है उनको देख के, कि ऑक्स ना हो तो ऑक्स का जुगाड़ करके लाओ कहीं से, उनके लिए ऑक्स का जुगाड़ करो, नहीं तो फिर कुछ और देसी जुगाड़ बनाओ उनके लिए। तो ये दोस्तों मैंने एक अपने लिए सेपरेट एक जुगाड़ तैयार कर लिया है, तो जिसमें क्या है कि आपको सीधी एवी केबल लगानी है ऑडियो वीडियो की, और अपने उस वाले एम्पलीफायर में लगानी होगी जिस वाले एम्पलीफायर को आप रिपेयर कर रहे हो या सही कर रहे हो, जो भी है उस वाले में लगा के, और इसे अपने कनेक्ट करने के बाद और ये आपका रनिंग में आ जाएगा। तो दोस्तों ये सारा सामान मेरे पास पड़ा हुआ था, कुछ भी मैं नया मतलब नहीं लाया हूँ। बाकी ये था कि ये थोड़ा है, तो दोस्तों ये जैसे बास ट्रेवल आप जो देख रहे हैं ये नहीं है, ये डेक्सा की कैबिनेट है ये भी नहीं है। तो बस ये दो चीज़ें नहीं है, बाकी मेरे पास कुछ सामान पड़ा हुआ था तो मैं वो मैंने यूज़ कर लिया इसमें। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, बताते ही क्या हूँ। ये आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, ये 1000 UF 25 वोल्ट के सैमबा के मैंने इसमें कैपेसिटर यूज़ करे हैं, और इसमें मैंने 4 डायोड की एक सप्लाई बना दी है जो कि प्लस माइनस की 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों। और ये आप जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ये आपके इंटेक्स के जो होम थिएटर्स आते हैं दोस्तों, उन वाले होम थिएटर्स में ये वाला ट्रांसफार्मर लगा होता है जिसमें 12012 प्लस में 05 वोल्ट के लिए सप्लाई दी गई होती है। तो ये 12012 का मैंने इसमें ट्रांसफार्मर ले रखा है। अब ये मुझे भी नहीं पता दोस्तों ये कॉपर है या एल्युमिनियम है, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि कॉपर ही होना चाहिए क्योंकि इंटेक्स का है, तो शायद मे भी हो सकता है कॉपर ही हो, बाकी कम्प्लीट आइडिया नहीं है मुझे। ये 1.5 से 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर होगा, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चल जाएगा इतना। तो बाकी दोस्तों आपने इसको देख ही रखा है कि मैंने इसमें कौन कौन सी, मतलब इस वाले में जो ये अपना बोर्ड है ये सेलसन का बोर्ड है, और इसमें दोस्तों अपने TL-062 IC इसमें लगा रखे हैं इन्होंने, ये देख सकते हैं आप, मैंने जूम कर रखा है, TL-062 IC इसमें इन्होंने यूज़ करी है। एक जो आप ये वाली IC देख रहे हैं और सेम एक इधर है, और एक जस्ट इसके ये नीचे लगी हुई है, देख लो, TL-062C9 ये वाली IC इन्होंने यूज़ करी है दोस्तों। और ये अपने हमारे जो क्या कहते हैं बास ट्रेबल, सॉरी, जो अपना ये जो सर्किट है माइक का सर्किट है दोस्तों, जो कि मैंने यहाँ लगा रखा है ये वाला, इस सर्किट को रन करने के लिए ये 2 IC इन्होंने यहाँ लगा रखी है, जो कि आपका इको भी चलेगा जिसमें, और आपका माइक को भी ये कंट्रोल करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही शानदार इन्होंने सर्किट बनाया है। और बाकी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस सर्किट की जो दोस्तों थोड़ी सी मैंने इसमें कुछ चेंजमेंट करी, जिससे इसका गेन थोड़ा मैंने हैवी करा है, और वो सर्किट में मैं आपको जब भी बताऊँगा दोस्तों, जब आप मेरे पास मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करेंगे ज़रूर, तो मैं आपको ज़रूर उसके बारे में इसमें चेंजमेंट बताऊँगा कि इस बास ट्रेवल में मैंने कौन कौन सा चेंजमेंट करा है जिससे इसका गेन थोड़ा सा हैवी हुआ है और थोड़ा अच्छा भी इसका गेन बना है।
बाकी दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इस साइड, ये आपके प्लस माइनस के और ग्राउंड की सप्लाई के वायर हैं, कनेक्शन है। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये रेड वाला है ये माइनस है, ब्लैक वाला है ये ग्राउंड है, और जो ब्राउन वाला है ये दोस्तों आपका प्लस वोल्टेज का है। इस वोल्टेज को दोस्तों आप रेगुलेटर की आप पीछे से जो 12 वोल्ट 5 वोल्ट का जो रेगुलेटर है आप जो देख पा रहे होंगे, ये जो दोस्तों जो रेगुलेटर है, इस रेगुलेटर के हिसाब से भी आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं कि जो इस रेगुलेटर की 7 जहाँ पे लिखा होगा 7805, तो 7 वाली जो लेग होगी सबसे इधर वाली, उस पर ये वाली जो साइड वाली ब्राउन वाली वायर होगी ये आके अटैच हो रही होगी, तो सीधा सा इसका पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पे आपको प्लस की 12 वोल्ट की जो डीसी है सप्लाई आ रही है वो आपको लगानी होगी, और बीच में एब्सोल्युटली दोस्तों वो ग्राउंड ही लगेगा, और साइड में आपको आपका माइनस वाला वोल्टेज लगाना होगा। तो बस ये, और दोस्तों इसमें आपका ये वाला जो है इस साइड, इसमें आपको दोस्तों इन देना है, बाकायदा लिखा भी हुआ होता है, बट नहीं लिखा होता तो उनको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको अपने कार्ड से या ऑक्स से इनपुट देना है। वॉल्यूम के लिए दोस्तों ये वॉल्यूम टोन लगे हुए हैं, और वॉल्यूम के लिए इसमें आपको कुछ नहीं करना, वो सीधे आपके कनेक्शन हुए आते हैं, एक पहला ये वाला है और दूसरा ये वाला है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये वाला है, और जो ये वाला है दोस्तों ये वाला है ये आपका सीधा यहाँ पर आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये। और बाकी आउट वाला है दोस्तों, आउट के लिए आपके यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये सारे अपने कनेक्शन हुए पड़े हैं। और ये दोस्तों बास ट्रैवल की वॉल्यूम टोन है जो कि डेजल की हैं, आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं, तो ये डेजल की वॉल्यूम टोन में यूज़ करी गई हैं, और मैं इसको दोस्तों अभी आगे यहाँ पर सेट करूँगा, तो बहुत ही शानदार एक लुक आने वाली है दोस्तों इसकी, और एक छोटा सा कॉम्पैक्ट साइज़ का अपना एक क्रॉस ओवर टाइप में रेडी हो जाएगा। आप या तो इसको किसी भी एम्पलीफायर के साथ आपको इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। बाकी ये अभी थोड़ा सा इसमें काम करूँगा मैं, यहाँ पे अपनी जो गम वगैरह होती है वो लगा दूँगा इस पर, जिससे कभी ये अटैच ना हो किसी से भी और कोई शॉर्टिंग वगैरह ना हो, तो वो चीज़ मैं इसमें यूज़ करूँगा। सारी वायरें दोस्तों टाई क्लिप द्वारा अपनी सेट करी गई हैं, और अच्छी मतलब छोटा सा ही है दोस्तों, तो कुछ खास ऐसा कुछ है नहीं बताने के लिए इसमें। बाकी ये है कि दोस्तों अगर आप ये वाला सर्किट चाहते हैं तो ये वाला सर्किट आप लें और अपने एम्पलीफायर के लिए यूज़ करें, बहुत अच्छा सर्किट है ये वाला। ये आपको सैलसन का मिल जाए या सेलकॉन का मिल जाए दोस्तों, डेक्सा के पास तो ये सर्किट अवेलेबल नहीं है, आप इसको सैलसन में ले सकते हैं या सेलकॉन में ले सकते हैं, दिल्ली मार्केट में अच्छे से अवेलेबल हो जाएगा आसानी से। बाकी ये मेरे पास अवेलेबल हो जाता है, बट दोस्तों सिंगल पीस में नहीं भेजता, सिंगल पीस नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सिंगल पीस में दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है जाके लेके आओ, फिर और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सिंगल पीस ही नहीं मिलेंगे आपको। अगर इसके साथ आप कंप्लीट जैसा इस टाइम में कुछ बनवाना चाहते हैं अपने एम्पलीफायर्स के लिए, तो आपको वो चीज़ मैं आपको बना के दे दूँगा, जिसमें आपको सारा कुछ नया मिलेगा, ये भी ब्लूटूथ कार्ड भी आपको नया मिलेगा दोस्तों। आप यहाँ चाहते हैं कि गुरु का ट्रांसफार्मर हो तो गुरु का ट्रांसफार्मर मिल जाएगा आपको, सारी चीज़ें इसमें एक अच्छी मिलेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, जो कहा जाएगा दोस्तों वही दिया जाएगा, ये नहीं है कि कहा कुछ जाए और दिया कुछ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हो कि इसको मैं अपने एम्पलीफायर के साथ टेस्ट करके दिखाऊँ, जो कि मेरे पास अभी आप ये देख रहे हैं JVC का एम्पलीफायर है, इसके साथ मैं इसको टेस्ट करके दिखाऊँगा। और दोस्तों मेरे पास जो सिस्टम है वो ये रखा, जो कि मेरा अपना सिस्टम है फ़िलहाल अभी, और अगर ये सिस्टम दोस्तों किसी को बनवाना है या चाहिए तो वो मुझे कॉल कर सकता है, मैं अपना नंबर जो कि है अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों आज की वीडियो के लिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।